तो फाइनली यार हमने कारपेट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे रंग काफी सारे पड़े थे, ये रेड भी था, ये ग्रीन भी था, येलो भी था, ब्लैक भी था, लेकिन हमने जो है ना ये रेड लिया। न्यू होम में छोड़ते हैं और देखते हैं ये ना ये कैसा महसूस करते हैं अपने। चलो अंदर जाओ। ये लगो अपने फाइनली को न्यू होम में छोड़ दिया, अब जो है इन चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेंगे। खरगोश कहाँ है भाई? पिंजरे के नीचे है। हाँ। यार ये देखो मैं उनके लिए घास लाया हूँ और जो है ना क्या ये मुर्गियां तंग कर रही हैं। यार मुर्गियों को क्या करें यार, ये हम जैसे यार मैं घास लाता हूँ मुर्गियां हमारी ये देखो सारी इकट्ठी हो जाती हैं और हमारे बेचारे खरगोश जो है ना वो किसी को कुछ भी नहीं कहते और वो जो ना बेचारे फिर इसी में ना कुछ खा भी नहीं सकते, ठीक है। तो अभी भी देखे मैं वो लाया हूँ घास और वो जो रैबिट है वो देखे वो हमारे जो ना वो केज के नीचे बैठा है। हाज भाई ये टोकरा हटाओ जल्दी से ना, इनको यार कुछ ना कुछ खिलाते हैं। आज हटा दो खाओ शाबाश। आजा भाई रैबिट तू भी आजा, इधर आ जाओ रैबिट। हरीश भाई इनको हटा दो, मुर्गियों को इनको हटाओ यहाँ से भगा दो। शाबाश हटाओ। चल भाई चलो भागो यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यार जैसे कि आपको पता है हमारे जो रैबिट्स हैं वो माशाल्लाह से घास खाते हैं, ठीक है। और जो है मैं कल गया था इनके लिए घास लेने, ठीक है, आफ्टर अफ्तारी घास इनका ख़त्म हो गया था, ठीक है। मैंने कहा यार इनके घास ले के आते हैं, इनकी घास ख़त्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनका जो घास होता है यार वो डेली के डेली ले के आना पड़ता है क्योंकि हमारे पास रैबिट्स दो हैं, हम ज़्यादा घास इकट्ठा नहीं ले सकते क्योंकि अगर हमने ज़्यादा घास इकट्ठा ले लिया तो फिर जो है ना वो घास जो है ना वो कुमाना हो जाता है, ठीक है, वो जो है ना वो एक किस्म का ना ख़राब हो जाता है ना। तो हम इनको फ्रेश घास खिलाना चाहते हैं तो इसलिए हम इनको रोज़ का रोज़ जो है ना फ्रेश घास इनको लेके आते हैं। हाज भाई देखे माशाल्लाह से हमारे रैबिट्स किस तरह से खाना खा रहे हैं। अभी भी वो वाला जो खरगोश है ना यार वो अभी भी छुपा पड़ा है इनकी वजह से, इनको हटाओ यहाँ से। यार ये देखें यार हमारे खरगोश है किस तरह से खाना खा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पैरेट्स हैं। अब जो है ना आपको पता है ना यार अब काफी ज्यादा गर्मी है और जो है ना हमने इनको धूप में नहीं रखा, इनको हमने ना छांव में रखा हुआ है ताकि यार ये जो है ना इसी मौसम में ना अपने आप को एडजस्ट करें, ठीक है, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। और माशाल्लाह से देखें किस तरह से हमारे रैबिट्स हैं वो खाना खा रहे हैं, ये चेक करेंगे। देखें इनका मुंह देखें, मुंह ये जिस तरह से चलाते हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार ये। माशाल्लाह से देखें हमारे दोनों रैबिट्स खाने में मशरूफ हैं। ये देखें इनके इनको प्यार भी करते हैं, ये देखें माशाल्लाह से इनके कान भी देखो यार फुल यहाँ से ना कान भी इनके ना ये रेड हैं, जैसे आईज इनके रेड हैं वैसे इनके जो कान है वो भी रेड हैं। ये देखें कान नहीं खोलने दे रहा यार ये देखें माशाल्लाह से कान चेक करें अंदर से बहुत ज्यादा प्यारे हैं। उसको देखो यार ओए कहाँ घुस गया, ओए बाहर निकल, चलो बाहर आओ आ जाओ बाहर आओ खाओ। यार ये इस केज के नीचे बार बार घुस जाता है और ये जो है घास नहीं खाता। खा भाई अब घास खाओ, बेफिक्र होकर खाओ, हमने जो मुर्गी है उनको वहां दूर भगा दिया, अब तो खा लो यार आराम से। यार ये डर रहे हैं इसमें मुझे लगता है ना यहाँ से हटना पड़ेगा हमें, ये खुद ब खुद खाएंगे है ना। चलो इनको खिलाओ इनको खिलाओ। हरीश भाई ये नहीं खाते होते, ये घास नहीं खाते हरीश भाई। अभी अभी देखो खाएंगे वो खो रहे हैं यार ये देखो खा रहे हैं वो हरीश भाई, ये तो खा रहे हैं घास यार। अच्छा ये घास भी खाते हैं, ये तो आज हमें पता चला यार ये खाते होते हैं। यार ये देखो माशाल्लाह से ये भी घास खा रहे हैं हमारे जो पैरेट्स है ना, ये देखिए वो देख यार ये खा तो नहीं तोड़ तोड़ के नीचे फेंके जा रहे हैं हरीश भाई, अलहदा कर रहे हैं ना बाद में इकट्ठे खाएंगे। अच्छा यार अब्बू जी ने रोटी के पीसीस किए हुए हैं हमारी डक्स के लिए, अब्बू जी इनको डाल दे जल्दी से ना। डाल रहा हूँ। अब ये जो डक्स है हमारी, यार अब्बू जी ध्यान करना ये फिर मुर्गियाँ आ गई हैं। यार जैसे ही हम कुछ भी डक्स को खिलाते हैं ना तो सबसे पहले ना हमारी मुर्गियाँ आ जाती हैं, हम अगर रैबिट्स को भी खिलाएं तभी देखे मुर्गियाँ आ जाती हैं, वहाँ भी वो देखे वहाँ भी वो फिर गए खड़े हैं और यहाँ पे अब्बू जी ये डक्स के लिए रोटी बना के लाए हैं और फिर ये वाली मुर्गी आई खड़ी ये खाने के लिए। इन बेचारों को खाने नहीं देते, बड़ी मुश्किल से वो बेचारी जो है ना अपने कुछ थोड़ा बहुत खाती है फिर ये वापस आ जाती है। देखे चलो अपने खुराक खाओ, ये देखो ये फिर नीचे आ गए। चलो भाई ऊपर चलो यहां से। यार ये रोटी जो है पानी में भिगो दी है क्योंकि जो हमारी डक्स है वो नरम गिजा खाते हैं, नरम रोटी खाती हैं क्योंकि उनकी चूंच बड़ी है और वो है भी अभी छोटी सी ना। तो यार आप देखें हमारी सारी मुर्गियां नीचे हैं और अब हमारे रैबिट्स देखें कितना प्यार से फुल इंजॉय करके खा रहे हैं और हम भी इनसे दूर खड़े हैं और देखें कितना माशाल्लाह से प्यार से करते हैं। हरीश भी मुझे लगता है यार ये ना इनके पास जाओ ना फिर ये डर जाते हैं, फिर ये नहीं खाते डाइट। अभी तो खा रहे हैं, अभी कोई नहीं है। हाँ वही कह रहा हूँ अभी कोई भी नहीं है और हमारे जो रैबिट्स हैं बहुत ज्यादा इंजॉय करके खाना खा रहे हैं।
देखो ये खुराक खा रहे हैं यार। हाँ जी देखिए यार माशाल्लाह से हमारे डक्स भी जो है ना अब जो है ना खुराक खा रही, खुराक थोड़ी सी ना वो नरम हो गई रोटी उनकी ना, तो अब माशाल्लाह से खा रही है। उसको पकाओ चल भाई उधर, ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो डक्स है वो डाइट खा रही है अपनी। यार ये चेक करें, ये जो हमारा केज पड़ा हुआ है ये ना हम पहले अंदर रखा करते थे उस जगह पे ना, जैसे जब से हम ना खरगोश लाया ना तो खरगोश हमें नहीं पता था क्योंकि वो जो है ना ये चेक करें, ये जो मैंगनियां पड़ी हुई है ये खरगोश की है, ये वाली जो पौड़ी ना छोटी छोटी ये देखे ये खरगोश की है पड़ी, तो हमें नहीं पता था ठीक है, तो ना ये इस तरह से पोल्ट्री पारते हैं। पोल्ट्री का हमें कोई भी इशू नहीं था क्योंकि ये तो एक सूखी चीज है ना, ये बंदा उठा के ना बार बार फेंकता साफ सफाई हो जाती है इनकी, लेकिन ये जो है ना हमें मेन इशू इस ये पैकेज को यहाँ रखने का इस वजह से आया है क्योंकि यार ये जो खरगोश है ना ये ना बड़ी ज्यादा ना पेशाब करते हैं बहुत ज्यादा ना, हमने दो तीन दिन अंदर रखा है तो ना हम जब सुबह उठते हैं ना तो पूरा हमारा फर्ज जो है ना वो सारा पेशाब से भरा पड़ा होता है। अभी भी ये देख लें केज यहाँ से भी गीला हुआ पड़ा है और देखें वहां से भी वो गीला हुआ पड़ा है, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें तो ना ये खरगोश जो है ना बहुत ज्यादा जो ना पेशाब करते हैं ठीक है, तो इसीलिए हमने सोचा यार इनका केज जो है ना इनका केज का सेटअप यहीं बाहर बना देते हैं ठीक है। हमें डर भी लग रहा था क्योंकि ये ना बिल्ली ना आ जाए, लेकिन अबू जी ने अबू जी यार आपने इसको ढका किस तरह से था बेहतरीन, यार अबू जी ने इसको ढका बेहतरीन था, इस वजह से बिल्ली नहीं आई, किस तरह से ढका था अबू जी? मैंने जो है ना इस पे फटा पड़ा हुआ था रजनी सब उसके साथ लगा दिया था ताकि ये बिल्ली अगर आ भी जाए तो इसे गिरा ना सके। अच्छा यानी वो वाला फटा था या वो छोटे वाला था या बड़े वाला था? बड़े वाला फटा था। अच्छा यार अबू जी ने तो ना इसका सेटअप बड़ा अच्छा बनाया था ताकि अगर बिल्ली आ भी जाए तो ना हमारे क्योंकि मुर्गियां भी इसी के अंदर होती है ना, मुर्गियां और डक्स और जो खरगोश है सब कुछ एक ही केज में होता है ठीक है, तो जो ना हमला ना हो सके। ये कालीन भी जो है ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया था ताकि छुप जाए बिल्ली को नजर ना आ सके, नजर भी ना आए और इनको सर्दी भी ना लगे क्योंकि रात को बारिश भी हुई है ना, रात को यार बारिश भी बड़ी जोर से हुई है ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारे जो ये थे मुर्गे और जो है ना ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सरवाइव करते हैं ठीक है। यार हमजा भाई बात सुनना, क्या हुआ आरिफ भाई? एक काम क्यों नहीं करते आप? क्या चीज? रैगजीन लेके आ रहे हैं। रैगजीन लेके आते हैं किस चीज के लिए? वो रैबिट जो है वो सारी पेशाब कर देते हैं फिर खराब कर देते हैं। हाँ यार हारिस भाई क्या ठीक रहे हैं, यार हारिस भाई ठीक कह रहे हैं, ये जो हमारा केज है इसके लिए ये देखें हमने यहाँ पे अखबार बिछाए हुए ऊपर भी और नीचे भी अखबार और ये गत्ता रखा हुआ है और जो है ना ये गीला हो जाता है, ये ना बहुत ज्यादा काम खराब हो जाता है, तो हम जाते हैं और ना रैगजीन लेके आते हैं ठीक है, रैगजीन बिछा देंगे, इनकी विड्थ और लेंथ हमने कर लिया ठीक है, और अभी हम जाते हैं और इनके लिए ना रैगजीन लेके आते हैं। चले अबू जी? हाँ चलो बाइक निकालते हैं अभी और चलते हैं सीधा रैगजीन लेते हैं और फिर जो है ना अब हमारे जो रैबिट्स है उनका एक किस्म का न्यू होम बन जाएगा, वो न्यू जगह पे बैठ जाएंगे। चले फिर डन हो गया, अंदर अंदर चलते हैं और ये वाला रैगजीन ये लेते हैं, जल्दी करें आ जाए, चले चले फाइनली यार हमने कारपेट ले लिया ठीक है, यहाँ पे रंग काफी सारे पड़े थे, ये रेड भी था, ये ग्रीन भी था, येलो भी था, ब्लैक भी था, लेकिन हमने जो है ना ये रेड लिया। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं घर और हमने रैगजीन के अब दो टुकड़े कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो केज है उसके भी दो खाने हैं ऊपर और नीचे, ऊपर हमारी हैंस मुर्गियां चिक्स रहेंगी और जो नीचे है रैबिट्स रहेंगे, आज रैबिट्स के लिए हम न्यू होम बनाने वाले हैं। ओहो ठीक नहीं कर रहा आप कर्दगा, ये देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा अबू जी, बिल्कुल सीधा सीधा कर देंगे। तो यार इसके अंदर सारी पोटियां पड़ी हैं, पहले इसको इनकी पोटियां साफ करते हैं फिर जो है ना हम न्यू रैगजीन बिछाएंगे, न्यू होम बना देंगे सबके लिए ना। ये देखिए सारे अंदर पोटियां पड़ी हैं, इनको बाहर निकालते हैं। तो फाइनली यार अब हम रैगजीन लगा रहे हैं इसके अंदर ठीक है, सफाई बफाई हो चुकी है सब कुछ ठीक है, और अब हम इसके अंदर फिट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जब ये फिट हो जाएगा ऊपर वाला केज, फिर हम इसका नीचे वाला केज। फाइनली ये चेक कर सकते हैं आप, हमारा ऊपर वाला जो है ना ये रैगजीन बिछ चुका है, ये थोड़ा सा बड़ा था हमने साइड से ना इसको फोल्ड कर लिया, इससे ना हमारी जो केज की ये वाली जो जाली है, जाली भी हमारी जो है ना इससे मजबूत रहेगी, थोड़ी सी सेफ रह जाएगी, तो इसलिए हमने साइड से थोड़ा सा फोल्ड कर दिया और इनके जो ग्राउंड है उनका बेहतरीन से ना फिट हो चुका है। चेक कर लें अब हम इस दूसरे की बारी आती है, ये चेक करें खरगोश ने ना यहाँ पे पेशाब कर करके ना सारा ये देखिए गीला कर दिया सारा जो है ना, अब जो है ना रैगजीन बिछाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था ठीक है, ये देखिए अब इसकी पेमाइश कर रहे हैं जी, और आप दूसरे वाली में भी जो है ना ये रैगजीन बिछा देंगे, फिर हमारा ऊपर वाला भी फिट हो जाएगा मुर्गियों वाला और नीचे खरगोश वाला जो है ना होम ये भी उनके लिए बेहतरीन हो जाएगा। फाइनली दोस्तों हमारा केज तैयार हो चुका है ठीक है, दोनों ऊपर वाला भी देख सकते हैं आप और नीचे वाला भी दोनों जो है ना रेडी हो चुके हैं, अब हम अपने ना रैबिट्स को पकड़ते हैं न्यू होम में छोड़ते हैं, देखते हैं वो अपने घर में कैसे लगते हैं। आजू बाजू एक रैबिट ना इस बोरी के पीछे छुपा बैठा है, इसको ना पकड़ते हैं, जल्दी करो
इधर बैठा इस तरह इस तरह, ये अभी ये भाग जाएगा, लेकिन मैंने पकड़ना भागने नहीं देना इसको ना। क्या कर रहा है भाई, इधर इधर आओ, यहाँ क्या कर रहे हो यार आप, यहाँ आपको क्या काम है, दोस्त आपका वहां पे खाना खा रहा है, वो मुझे देख रहा है, देखो चोर उठा के देख रहा है यार, इसमें मेरे एक दोस्त को पकड़ा हुआ, देखे आजा भाई तू भी इधर आ, ओ भाई आराम से यार, क्या हो गया यार, आराम से इधर आ भाई, इधर आ इधर आओ यार, ये नीचे घुस गया यार, देखो इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, आओ इनको ना इनके न्यू होम में लेके चलते हैं, आ जाओ एक मिनट भाई, भागना नहीं है तुमने, ठीक है, ये देखो तुम्हारा न्यू होम। देखते हैं ये ना ये कैसा महसूस करता है अपने, चलो अंदर जाओ, वो अंदर जाकर सोने लगे, देख लगे यार ये हम कहाँ आ गए, देखे ये भाई ये तुम्हारा न्यू होम है, अब जैसे ना इसमें ये तुमने खराब नहीं करना, ठीक है ना, पिछिया कर कर ये खराब कर देते यार, तो ये देखो अपने फ्रेंड को न्यू होम में छोड़ दिया, अब जो है कि इन चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेंगे। बस गाइज आज की वीडियो में हमने रैबिट्स के लिए न्यू होम बना दिया है और उनको उनके घर के अंदर भी छोड़ दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।